बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोकडू फूड किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं लेमन चिकन ब्लैक पेपर। तो उसके लिए जो है ना, हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये मैंने आपके सामने रखी हुई है चीज़ें। तो सबसे पहले जो है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। उसके बाद बग़ैर टाइम वेस्ट किए जो है ना, हम आपको चीज़ें बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आधा किलो चिकन ले लेना है आपने। तो उसके बाद दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, 6 से 7 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, 3 मिर्चें हमने ऐसे रख दी हैं रेड कलर की जो ज़्यादा पकी हुई थी, 1 दरमियानी साइज़ का प्याज काट के रखा है हमने, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर हो गया, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, तो 3 चम्मच हो गए लेमन का जूस, तो 1 चम्मच हो गया इसका सोया सॉस। आइए अब इसे जो है ना, हम मसाला लगाते हैं। एक बॉल रखा है हमने, तो उसके बाद चिकन इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई दरदरी सी। अब इसमें जाएगा सोया सॉस 1 चम्मच। 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, अभी साथ में इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाले कैसे इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, अब हाथ से इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 मिनट इसे मिक्स किया है ताकि नमक इसमें सही रच जाए, सारा मिक्स हो जाए। और जैसे कि मसाला हमने इसे लगा दिया है, तो अब जो है ना, इसे 15-20 मिनट के लिए मैं ढाँक के रख दूँगी। कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे पे, तो अभी चूल्हा ऑन कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है चूल्हा। चिकन को जो है ना, हमने जैसे मसाला लगा के रखा था मैरिनेट करके, तो अब जो है ना, इसे सारा मसाला इसमें रच गया है, आधा घंटा तकरीबन हो गया है। अब जो है ना, मैं इसे फ्राई करूँगी। अब इसमें घी ऐड करेंगे। आप इसे मक्खन में बनाएं, देसी घी में बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी, इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मेरे पास घी है तो मैं घी के साथ ही इसे फ्राई करूँगी। सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे, घी गर्म हो गया है, 2 मिनट प्याज फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, जैसे हल्का सा पिंक सा कलर आ जाएगा, बाद में इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जल्दी बनने वाली रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो 2-3 मिनट में बनने वाली है। प्याज हमारे फ्राई हो चुकी हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, तो 3 मिर्चें ऐसे ही साबुत रखी हुई हैं, वो मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगी। मिर्चें और प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। ढाँप के रख दूँगी। चिकन का भी पानी, इसका खुद का भी पानी है, थोड़ा सा नींबू का पानी, ये सारा खुश्क हो जाएगा, बाद में मैं इसे फ्राई करूँगी। अभी मैं इसे ढाँप के रख रही हूँ, 5 मिनट बाद चेक करेंगे इसे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब जो है ना, इसे चेक करते हैं हम। पानी खुश्क हो गया है, अब इसे फ्राई करेंगे हल्की आँच पे। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि ये सही तरह पक जाए, कुक हो जाए, कि चिकन हमारा कच्चा ना रहे। अब इसे मैं ढाल के रख दूँगी, 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। बीच बीच में मैं चम्मच इसमें चलाती रहूँगी, ये ना हो जाए कि जल। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है, तो आप जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, शेयर करें।
लेमन पेपर चिकन तैयार हो गया है, मज़ेदार बना है, बेहतरीन, ये देखें ज़बरदस्त बना है। तो खुशबू भी इसकी अच्छी आ रही है, टेस्ट माशाल्लाह अच्छा बना है, जल्दी बनने वाली चीज़ है, तो बहुत ही मज़े की बनी है। अब मैं इसे डिश में निकालूंगी। बेहतरीन बनी है, ज़बरदस्त बनी है, जो है झटपट बनने वाली चीज़ है, 5 मिनट में तैयार होते जाती है। जैसे कि पहले मैं इस पे ऊपर जो है ना गार्निश कर दूंगी, अदरक के टुकड़े कटे हुए, ये देखे अदरक और हरे मिर्चों के बगैर तो जो है ना मज़ेदार चीज़ बनती ही नहीं है। ज़बरदस्त बनी है ये डिश, बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। आप भी बनाएं, बना के ज़रूर खाएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। तो मेरे साथ जुड़े रहें आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो है ना नई नई मेरी वीडियोज़ रेसिपी मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, नए रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी।